हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल हब ऑफ नॉलेज मैक। फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट बेंचमार्किंग, मींस व्हाट इज बेंचमार्किंग एंड व्हाट इज बेंचमार्क एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेंचमार्किंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड व्हाई वी नीड बेंचमार्किंग, टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग एंड स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मिनिमम क्राइटेरिया फॉर बेंचमार्किंग। सो फ्रेंड्स, इफ यू नीड टू हैव कम्प्लीट नॉलेज अबाउट बेंचमार्किंग, सो प्लीज कीप दिस वीडियो टिल एंड। इफ यू नीड टू ग्रो इन करियर बाय इम्प्रूविंग स्मार्ट टेक्निकल स्किल्स, देन यू कैन जॉइन आवर ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मैक। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग, प्लेसमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ करियर। लेट फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज बेंचमार्किंग। Benchmarking is a method for comparing our organization's current process performance with other best organizations performance, means अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को किसी बेहतरीन कंपनी की परफॉर्मेंस के साथ तुलना करना बेंचमार्किंग कहलाता है। सो फ्रेंड, बेंचमार्किंग इज ए कंपेरिजन मेथड, मीन्स दिस इज ए अनस्टेबल प्रोसेस, मीन्स ये कोई कंपनी का ग्राफ है जो कि उसकी परफॉर्मेंस 40%, 30%, 50%, 35% है, मीन्स जिगजैग मोशन में है, इसको बोल सकते हैं हम अनस्टेबल प्रोसेस। दिस इज द परफॉर्मेंस ऑफ बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए स्टेबल प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, देर इज ए डिफरेंस बिटवीन अनस्टेबल प्रोसेस एंड स्टेबल प्रोसेस। This is non performer company and this is the performer company, means this company is a well reputed and well stable company. Now let's discuss what is benchmark. Benchmark is defined as what we have to achieve. It is also related to objective, means output of benchmarking. दोस्तों, बेंचमार्किंग करने के बाद आपने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया है उसको बोलते हैं बेंचमार्क। सो वो क्या रहेगा? आउटपुट ऑफ द बेंचमार्किंग। सो वी कैन से बेंचमार्क इज व्हाट, मींस व्हाट वी हैव टू अचीव एंड बेंचमार्किंग इज हाउ, व्हाट वी हैव टू अचीव एंड हाउ टू अचीव। दिस इज द मीनिंग ऑफ बेंचमार्किंग एंड व्हाई वी नीड बेंचमार्किंग। सो लेट डिस्कस। फर्स्ट, प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए। सेकेंड, इंक्रीज द प्रॉफिट बाय रिड्यूसिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाता है, इसके लिए मैंने वैल्यू एनालिसिस की वीडियो बनाई है जो कि आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगी। थर्ड, ऑब्टेन कस्टमर लॉयल्टी एंड सेटिस्फैक्शन। लास्ट, बिकम ए लीडर इन कम्पिटिटिव मार्केट। दोस्तों, सो फ्रेंड्स, बाय कंसिडरिंग दीज फैक्टर्स वी कैन डू बेंचमार्किंग। By using benchmarking, we can define KPI in an organization. दोस्तों, benchmarking के थ्रू हम अपने KPI को भी सेट कर सकते हैं। Next, what is objective? Objective is the output of benchmarking in measurement form. Means objective is related to benchmark. जैसे हमने देखा कि जो है करंट जो परफॉर्मेंस है एवरेज वो 40% है किसी ऑर्गेनाइजेशन की, उसने जब तुलना की तो उसकी जो करंट परफॉर्मेंस है 50% है। अब हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, वी हैव टू अचीव 50% अगेंस्ट 40%। सो दिस इज आवर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, पर्सनल बेंचमार्किंग। दोस्तों, हम पर्सनल बेंचमार्किंग भी कर सकते हैं, जैसे हम अपने प्रोफेशनल कैरियर में भी किसी सफल व्यक्ति के साथ अपनी तुलना कर सकते हैं। अगर कोई सफल व्यक्ति 4 साल के एक्सपीरियंस में सीनियर इंजीनियर का पद हासिल करके 50,000 सैलरी ले सकता है तो तुम भी ले सकते हो, बस स्किल को बढ़ाओ ताकि आप भी 50,000 सैलरी ले सको। सो फ्रेंड्स, ये एक एग्जांपल है अपनी पर्सनल स्किल्स को बढ़ाने के लिए बेंचमार्किंग करना। आप अपना कंपैरिजन किसी स्किल्ड व्यक्ति से कर सकते हो जो कि कम एक्सपीरियंस में वो आपसे आगे निकल चुका हो और आपको उसने पीछे छोड़ दिया हो। बेंचमार्किंग स्मार्ट गोल सेट करने का भी मेथड हो सकता है। नाउ लेट एग्जाम्पल ऑफ बेंचमार्किंग फॉर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट। लाइक इफ ए कंपनी प्रोड्यूस 50 प्रोडक्ट्स इन 60 मिनट्स वाइल द कंपटीटर मेकिंग 60 प्रोडक्ट्स, मीन्स सेम प्रोडक्ट इन सेम टाइम, सो हेयर वी कैन बेंचमार्क प्रोड्यूसिंग 60 प्रोडक्ट्स इन 60 मिनट्स।
तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या निकल के आया, वी हैव टू प्रोड्यूस 60 प्रोडक्ट्स इन ए 60 मिनट। नोट द मिनिमम क्राइटेरिया फॉर बेंचमार्किंग इज 10% लेस और मोर अगेंस्ट करेंट स्टेटस, सो बेंचमार्क शुड बी 10%। दोस्तों बेंचमार्किंग करने के बाद आपने अपना जो गोल सेट करना है उसमें करंट जो सिचुएशन है, करंट स्टेटस है आपका, उसमें मिनिमम टू मिनिमम 10% का इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर आप किसी पुअर कॉस्ट को कम करने का कोई गोल बना रहे हो तो मिनिमम 10% का कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी को कम करने का गोल बनाओगे। अगर आपका प्रोसेस परफॉर्मेंस बढ़ाना है तो 10% मिनिमम टू मिनिमम आपको प्रोसेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाना पड़ेगा। सो मिनिमम क्राइटेरिया फॉर सेटिंग बेंचमार्किंग इज 10%। दोस्तों अगर आप डिग्री या डिप्लोमा करने के बाद कुछ सालों तक जॉब नहीं कर पाते हैं तो आप हमारा ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करने के बाद अपना करियर रीस्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को एक्सपीरियंस होल्डर शो कर सकते हैं। हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद कैंडिडेट का IQ लेवल इंक्रीज हो जाता है और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है, क्योंकि सभी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल व थ्योरेटिकल पढ़ाई जाती हैं और साथ में इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी करवाई जाती है। इफ़ यू नीड टू ग्रो इन योर करियर एंड नीड टू बिल्डअप ए स्मार्ट करियर, यू कैन ज्वाइन आवर डॉक्यूमेंटेशन ट्रेनिंग सेंटर हब ऑफ नॉलेज मेक। नाउ लेट डिस्कस टाइप्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग टू टाइप्स, इंटरनल बेंचमार्किंग एंड एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। द बेंचमार्किंग कैटेगराइज्ड इन प्रोसेस, अबाउट प्रोडक्ट एंड वी कैन डू अबाउट कॉम्पिटिटिव एंड स्ट्रेटजिक एंड परफॉर्मेंस। प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप प्रोसेस बेंचमार्किंग करोगे, प्रोडक्ट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करने के लिए आप प्रोडक्ट का बेंचमार्किंग करोगे, कंपटीटिव पे भी बेंचमार्किंग कर सकते हैं आप अपने कंपटीटर के साथ अगर आप उसको बीट करना चाहते हैं। स्ट्रेटजिक बेंचमार्किंग का मतलब है आपको कोई खुद इंटरनल गोल बनाना है और उसकी एक स्ट्रेटजी तैयार करनी है ताकि आप अपने इंटरनल एम्प्लॉय से काम ले सको उस गोल को अचीव करने के लिए, इसको बोलते हैं षड्यंत्र। और नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, अपने प्रोसेस की या टीम की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी हम बेंचमार्किंग कर सकते हैं। नाउ लेट डिस्कस स्टेप्स ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग कंप्लीट्स इन 5 phases, सो वी हैव टू डू वर्क ऑन 5 phases ऑफ बेंचमार्किंग टू अचीव 60 प्रोडक्ट इन 60 मिनट। Phase 1 प्लानिंग। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई व्हाट टू बेंचमार्क, हमको बेंचमार्क क्या करना है, मीन्स हमने क्या ऑब्जेक्टिव बनाना है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर, जिसके साथ हमने कंपटीशन करना है वो पार्टनर हमको सर्च करना पड़ेगा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई डाटा कलेक्शन मेथड, दोस्तों आपको डाटा को कलेक्ट करने के लिए किस मेथड का यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक का यूज़ करना है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेकंड फेज है आपका एनालिसिस। एनालिसिस में आपको डू करंट परफॉर्मेंस गैप एनालिसिस, जब आप डाटा को कलेक्ट करने के बाद एनालिसिस करोगे तो वहाँ से गैप्स निकल के आएंगे, उन गैप की आपको लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल मींस ऑब्जेक्टिव, आपको यहाँ पे अपने करंट स्टेट से लेकर के आपको फ्यूचर गोल बनाना है। जैसे हमारा करंट स्टेट है 50 प्रोडक्ट इन 60 मिनट, नाउ वी हैव टू प्रोड्यूस 60 प्रोडक्ट इन 60 मिनट, सो आवर जो है करंट परफॉर्मेंस लेवल फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल क्या हो गया, 60 प्रोडक्ट इन 60 मिनट, सो दिस इज द ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट Phase 3 इंटीग्रेशन, डेवलप कम्युनिकेशन ट्रैक ऑफ टीम अबाउट प्रोजेक्ट गोल्स, आपको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम करना है उसका कम्युनिकेशन ट्रैक क्या रखना है, कब आपको रिव्यू करना है, टीम के साथ किस तरीके से मीटिंग करनी है, यहाँ पे सारा आपको इंटीग्रेशन मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। Phase 4 एक्शन, डेवलप एक्शन प्लान एंड इम्प्लीमेंट द फेसेस एक्शन एंड चेक इफेक्टिवनेस, आप जो है सारा डाटा जब आप निकाल लोगे, गैप्स निकल के आ जाएंगे, तो वहाँ पे आप एक्शन प्लान बनाओगे उन गैप को बीट करने के लिए, और इस एक्शन प्लान को आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है, उसका इफेक्टिवनेस भी चेक करना है। नेक्स्ट Phase 5 सस्टेन, मीन्स अटेन लीडरशिप पोजिशन बाय अचीविंग योर कंटिन्यूअल गोल एंड कीप प्रैक्टिस टू मेंटेन लीडरशिप पोजिशन। दोस्तों हम अपना गोल अचीव करने के बाद हमें कुछ समय तक उस गोल को सस्टेन करना होता है, तब तक हम उससे बेहतरीन नेक्स्ट गोल नहीं बना लेते हैं, तो Phase 5 ही सस्टेनेंस। सो फ्रेंड्स दीज आर 5 phases दैट रिक्वायर्ड फॉर वर्किंग ऑन बेंचमार्किंग।
दोस्तों अगर आपको प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन की ट्रेनिंग लेनी है तो यू कैन ज्वाइन आवर डॉक्यूमेंटेशन कोर्स फ्रॉम हब ऑफ नॉलेज मैक ट्रेनिंग सेंटर। आफ्टर गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम आवर ट्रेनिंग सेंटर कैंडिडेट कैन बिल्ड अप हिज स्मार्ट स्किल्स फॉर क्रैकिंग इंटरव्यू एंड कैन गेट ए गुड जॉब इन गुड ऑर्गेनाइजेशन।